गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सविता शर्मा, सीनियर लेक्चरर, सिविल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज हम इरिगेशन इंजीनियरिंग के टॉपिक डाइवर्जन हेडवर्क्स, जो कि टॉपिक नंबर 10 है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैनल हेडवर्क्स क्या होते हैं। कैनल हेडवर्क्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कैनल को क्रॉप इरिगेट करने के लिए अपनी जो सप्लाई है वो रिवर या स्ट्रीम से लेनी पड़ती है। तो कैनल में जो है एक रेगुलेटेड, कंटिन्यूस और सिल्ट फ्री वाटर की सप्लाई हो सके, इसके लिए हमको रिवर के अक्रॉस कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती हैं और उन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को ही हम कैनल हेडवर्क्स कहते हैं। कैनल हेडवर्क्स जो है हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्टोरेज हेडवर्क्स एंड डाइवर्जन हेडवर्क्स। स्टोरेज हेडवर्क्स वो हेडवर्क्स होते हैं जैसे डैम्स, जो कि रिवर के अक्रॉस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए और डाइवर्ट करने के लिए। यहाँ हम वाटर का एक रिजर्वायर के फॉर्म में हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि हमने डैम्स पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था। डैम्स आर टू स्टोर द वाटर, और जब हमारे पास एक्सेस सप्लाई होती है रिवर में तो हम वहाँ वाटर को स्टोर कर लेते हैं। और डाइवर्जन हेडवर्क्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ जो है हमारे पास रिवर के लेवल को अप किया जाता है और उसमें वाटर को स्टोर नहीं किया जाता, सिर्फ लेवल रेस करके हम जो है कैनल में वाटर को डाइवर्ट कर देते हैं। ये होते हैं डाइवर्जन हेडवर्क। तो डाइवर्जन हेडवर्क्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, मेन जो हैं ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या हैं। फर्स्ट है टू रेज द लेवल ऑफ वाटर एट द हेड ऑफ द कैनल। कैनल के हेड पे वाटर लेवल को अप करना फॉर डाइवर्जिंग द वाटर इनटू द कैनल। फिर है टू फॉर्म अ स्टोरेज टू एंश्योर दैट वाटर इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, कि हमको थ्रू आउट ईयर वाटर की अवेलेबिलिटी हो, इसलिए हम वहाँ वाटर को स्टोर भी कर सकते हैं। और टू कंट्रोल द सिल्ट एंट्री इनटू द कैनल एंड टू प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एट द हेड ऑफ द कैनल। और डाइवर्जन हेडवर्क में और ऐसी स्ट्रक्चर्स बनाई जाती हैं जो कि सिल्ट एंट्री को कैनल हेड पे जो है कंट्रोल कर सके, सिल्ट फ्री वाटर जो है कैनल के अंदर जाए। एंड टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर इन द रिवर ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। तो ये थे हमारे पास डाइवर्जन हेडवर्क के ऑब्जेक्टिव और डाइवर्जन हेडवर्क क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि डाइवर्जन हेडवर्क के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और उनका लेआउट किस तरह से जो है किया जाता है। तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये हमारे पास रिवर फ्लो हो रही है और यहाँ से हमने ऑफ टेकिंग कैनल निकाली हुई है, तो यहाँ हमको वाटर का लेवल अप करना है। इसके लिए हमने जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, वियर, डिवाइड वॉल, फिश लैडर, अंडर स्लिसेस, सिल्ट एक्सक्लूडर, कैनल हेड रेगुलेटर्स एंड रिवर ट्रेनिंग वर्क। तो इनका लेआउट किस तरह से होता है रिवर में, जैसे ये रिवर का फ्लो है, यहाँ से ऑफ टेकिंग कैनल है, तो यहाँ हम जो है इस पोर्शन को कहते हैं मेन वियर, या इसको हम नॉर्मल वियर भी कह सकते हैं। और ये जो दूसरा पार्ट है, इस पोर्शन को हम कहते हैं अंडर स्लिस पोर्शन ऑफ द वियर। और इन दोनों पोर्शंस को अलग करने के लिए ये यहाँ पे एक डिवाइड वॉल बनाई जाती है, और डिवाइड वॉल के साथ ही एक फिश लैडर भी बनाई जाती है। और ये जो फिश लैडर है, ये फिशेस का जो मूवमेंट है अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड पे, वो इजीली जो फिशेस है वो मूव कर सकें, माइग्रेट कर सकें, इसलिए हम यहाँ पे फिश लैडर बनाते हैं। इसके बाद
यहाँ हम जो है कैनल में जो है वाटर सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए कैनल हेड रेगुलेटर्स बनाते हैं, और इसके अलावा हम यहाँ पे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जैसे गाइड बैंक्स और मार्जिनल बंड्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, डाइवर्शन हेडवर्क के वियर और बैराज, डिवाइड वॉल, फिश लैडर, अंडर स्लिसेस, सिल्ट एक्सक्लूडर, कैनल हेड रेगुलेटर, रिवर ट्रेनिंग वर्क एंड जैसे जो है मार्जिनल बंड्स एंड गाइड बैंक। अब हम इन सब जो पार्ट्स हैं डाइवर्शन हेडवर्क्स के जो कंपोनेंट्स हैं उसका हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे व्हाट इज़ वियर और इसका फंक्शन क्या है, और जो है मींस इसके क्या क्या कार्य होते हैं। वियर क्या होता है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर टू रेज वाटर लेवल एंड डाइवर्ट वाटर इनटू द कैनल। यहाँ हम वियर और बैराज दो तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। वियर और बैराज में डिफरेंस क्या होता है कि वियर में ये जो क्रेस्ट लेवल है, जो हम एक मसनरी वॉल बना रहे हैं, वियर इज बेसिकली अ मसनरी वॉल, और ये यहाँ पे रेस्ड जो मसनरी वॉल है इसमें ये दिस इज क्रेस्ट लेवल। तो जो वियर में मसनरी लेवल जो है उसका क्रेस्ट लेवल अप होता है, और ये देखिए यहाँ जो है बैराज में ये क्रेस्ट लेवल होता है मसनरी वॉल का, ये लो हाइट पे होता है, और वियर में जो शटर ओपनिंग होती है, गेट ओपनिंग होती है, वो कम होती है, और बैराज में गेट कंट्रोल ओपनिंग ज़्यादा होती है। तो हम जो है वाटर को रेगुलेट जो है शटर ओपनिंग से कर सकते हैं। तो बैराज में जो मोस्टली जो पॉन्डेज एरिया है, जैसे ये हमारे पास पॉन्ड लेवल है, तो जो पॉन्डेज क्रिएट होता है बेसिकली गेटेड ओपनिंग्स के थ्रू होता है, और वियर में जो है हमारे पास गेट ओपनिंग कम होती है। मोस्टली जो वाटर का जो लेवल है वो वियर मसनरी वॉल बना के किया जाता है। तो ये जो हमारे पास गेट ओपनिंग्स के थ्रू जो है हम वाटर की सप्लाई को जो रेगुलेट है वो बेटर वे में कर सकते हैं, परंतु ये थोड़ी सी कॉस्टली स्ट्रक्चर्स होती हैं और वियर कंपैरेटिवली जो है चीप होते हैं। तो ये जो है मेन डिफरेंस था वियर और बैराज के बारे में।